फ्रेंड्स चलो अभी हम लोग आज जा रहे हैं बदामी के लिए कर्नाटका। तो अभी हम लोग जस्ट घर से निकले हैं, 1-2 किलोमीटर ही हुए हैं। तो देखते हैं कि ये हमारी ट्रिप कैसे रहती है, इसका हम लोग आपको रोड जर्नी भी दिखाएंगे कि आपको पुणे से अगर बदामी जाना है बदामी के उस देखने के लिए तो कहाँ से कौन सा रूट अच्छा रहेगा वो भी हम लोग बताएंगे। अभी हम अपने टाटा हैरियर से निकले हैं तो अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर के आसपास का अपना डिस्टेंस हमें कवर करना है। हम लोग ऑलमोस्ट अभी 260 किलोमीटर्स पास करके आए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे डीजल भरने के लिए रुके हैं। ये कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ऐसे पूरी सर्विस दी जाती है, ये अच्छे से कांच भी साफ करके देते हैं अगर बताया तो उनको। हम लोग ऑलरेडी कर्नाटक में एंटर कर चुके हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिव टू महाराष्ट्र यहाँ पे 5 रुपए से डीजल यहाँ पे सस्ता है। डीजल भर के हो गया है, अभी हम निकल रहे हैं आगे के जर्नी के लिए। टोटल 38.75 लीटर डीजल भरा बैठा है तो हमने उसके लिए 3430 रुपीज पे किए हैं और कर्नाटका में डीजल का रेट है 88.53, महाराष्ट्र में है 92.93 ऐसे कुछ तो है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके हुए हैं, एक्चुअली इस साइड में पूरा हिडकल डैम करके है। एक्चुअली हम लोग 9 बजे पहुंच गए थे और थोड़ा सा लेट हुआ इसलिए हमने कल का एंड का व्लॉग नहीं बताया। तो हम लोग अभी यहाँ पे होटल मौर्य चालुक्या करके है, वहाँ रुके हैं। तो ये है KSTDC का ही है। लोग निकलेंगे बदामी साइट सीइंग के लिए, हमने एक रिक्शा की है अभी तो चलते हैं। ऐसे एंट्री है अंदर और ये है टिकट काउंटर, 25 रुपीज टिकट है यहाँ पे। ये है केव नंबर 1, यहाँ पे पूरे विष्णु के कार्विंग्स है। इसलिए यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती है तो आप चप्पल ले पहन के भी अंदर आ सकते हैं। और वहाँ पे एक बड़ा शिवलिंग भी है, यहाँ पे भी हर एक पिलर पे इतनी सुंदर कार्विंग्स की हुई है अलग अलग। चलो अब अगले केव में चलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 केव्स हैं, अभी आगे चलते हैं। ये है केव नंबर 2। ये जो गुफाएं हैं ये सब 6 सेंचुरीज में कार्विंग की गई है। यहाँ पे बदामी में टोटल 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा जो थी वहाँ पे आपने भगवान शंकर का मंदिर देखा, ये जो है ये दूसरी गुफा है। यहाँ पे ये गुफा जो है वो विष्णु जी को समर्पित की गई है। आपको यहाँ पे बैट का स्मेल आ जाएगा। ये जो देख ये द्वारपाल है, ऐसे भी एक द्वारपाल जो है वो अपोजिट में है। ये देखो जय और विजय था केव नंबर 2। अभी और हमें ऊपर चढ़ना है और वहाँ पे है केव नंबर 3। तो चलते हैं आगे। अगस्त्या लेक है यहाँ पे और वहाँ पे एक मंदिर है, वो है भूतनाथ टेम्पल। ये भूतनाथ टेम्पल है, वहाँ पे भी जाना है हमें। और यहाँ से ही एक अपोजिट साइड में उस तरफ एक दिख रहा है, वो यहाँ के लोग बोलते हैं ये टिप्पू सुल्तान का किला है। और वहाँ पे भी इट सीम्स छोटे छोटे मंदिर है। तो अभी पहले हम लोग ये पूरा करके फिर वहाँ पे भी विजिट करेंगे।
तो चलो आगे चलते। तो ये सबसे बड़ी केव है और ये भी भगवान विष्णु के लिए ही, मतलब भगवान विष्णु के ही बहुत सारे कार्विंग्स हैं यहाँ पे। बदामी केव्स में जो चार गुफाएं हैं उसमें से पहले जो दो गुफाएं हैं वो वैष्णव को डेडिकेटेड है। थर्ड वन जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये सबसे बड़ी है, ये वैष्णव को डेडिकेटेड की गई है। और जो फोर्थ है वो जैन को डेडिकेटेड की गई है। तो ये जस्ट यही दिखाता है कि ओवर द पीरियड हम अपने स्पिरिचुअलिटी कैसे चेंज करते गए। तो अब अगली केव की तरफ बढ़ते हैं जो जैन केव है, मतलब जैन को डेडिकेटेड है। तो अब वहाँ निकलते हैं। बदामी की जो फोर्थ गुफा है ये जैनों का है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा भगवान महावीर की मूर्ति दिखेगी और बाहर में जितने भी जैन तीर्थंकर थे उनके छोटे छोटे कार्विंग्स किए गए हैं। ये थी बदामी की चार गुफाएं। अभी हम लोग उस तरफ चलेंगे, तो चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऊपर एक फोर्ट है और क्या क्या है, छोटे छोटे मंदिर हैं, शिवालय, अपर शिवालय और दो जैसे चार मंदिर, चार मंदिर, एक फोर्ट है, बहुत ऊपर चढ़ना है। तो अभी चलते हैं, 250 स्टेप्स है। तो चलो लेट्स गो। ब्यूटीफुल है लोअर शिवालय, मतलब निम्न शिवालय पॉइंट से पूरा बदामी शहर दिखता है। ये लोअर शिवालय अंदर से ऐसे दिखता है, इतने बड़े बड़े पत्थर है। चलो अब आगे चलते हैं। थोड़ा आने के बाद ऐसे दो रास्ते दिखेंगे, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। इस तरफ है वो अपर शिवालय है और इस तरफ है वो फोर्ट है। तो अभी हम लोग इस तरफ पहले जाएंगे फिर उधर जाएंगे। चलो चलते हैं। हम लोग उधर से आए, चलो और ऊपर चल के देखते हैं। तो ये जो पूरा है ऐसे ग्राउंड है यहाँ पे और ये भी फोर्ट का ही पार्ट है। और यहाँ पे उन्होंने ये फ्लैग होस्टिंग के लिए रखा है। तो यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरा यहाँ पे फ्लैग होस्ट करके पूरा सजाते हैं और यहाँ से पूरी बदामी सिटी दिखती है। अभी हम लोग ये अपर शिवालय की तरफ चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको भी क्या है। यहाँ से आए अभी और ये इस तरफ जाना है। ये यहाँ पे ऐसे तीन ये है, ये शायद अनाज के गोडाउन हो सकते हैं, पता नहीं क्या है ये। चलो और आगे उस तरफ चलते हैं। हम लोग अभी सुबह उस तरफ थे, उस पहाड़ी पे थे, वो केव्स वाली पहाड़ी है। अभी हम लोग पूरा वो क्रॉस करके इधर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा शिवालय है, अपर शिवालय। ये सब आपको अगर घूमना है तो एक तो सुबह जल्दी आ जाइए, मतलब 6 o'clock से ये खुल जाता है। तो सुबह जल्दी आइए या थोड़ा इवनिंग में आइए ताकि धूप कम हो जाए। शायद पूरा फोर्ट का एरिया है बट ये ऑब्वियसली थोड़ा टूटा हुआ है। यहाँ का अभी ये सब देख के हो गया है, अभी अपन नीचे चलते हैं। यहाँ से जो है उस समय के जो राजा रानी थे यहाँ से चले जाते थे ठंडी हवा लेने के लिए, और नॉर्मल पब्लिक है जो हम लोग पहले जाके उस रोड से जाते थे।
आप देखोगे तो एकदम नैरो रोड है, नैरो रोड है। एक समय एक ही बंदा जा सकता है। अभी इस साइड हम लोग जाके आए, इस तरफ यहाँ पे म्यूजियम है, तो अभी हम लोग म्यूजियम नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग आगे जाएंगे। ये देखो 9 बजे से शुरू होता है सुबह और शाम को 5 बजे तक है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बदामी, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। ये है और उधर जाना है, तो चलो चलते हैं अभी। यहाँ पे यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे यहाँ पे भी पूजा नहीं करते। इधर भी इसके पीछे एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन जैसे पहले बताया कि यहाँ पे पूजा नहीं की जाती। अब वहाँ पे देखिए वो नंदी है, पूरा डिस्ट्रक्ट किया हुआ है। चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ पे एक्चुअल बनाया है, ये उसका छोटा मॉडल है, क्या नहीं है पर दिखता है कि यह टेंपल का बना के रख दिया था, फिर ये थोड़ा सा बनाया है कि अंदर से टेंपल कैसे रहा है काम, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ है वो खोद के अंदर मंदिर बनाना है, तो इन्होंने ऐसे स्कल्पचर बना के रखे थे, छोटे छोटे मॉडल सैंपल्स बना के रखे थे और उसके बाद बड़े इसमें गए ये लोग। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, हमने जैसे हम्पी में देखा था सिमिलर स्ट्रक्चर है, और ये चालुक्यास की राजधानी हुआ करती थी बदामी पहले, तो ये जो पहले हमने बताया कि यहाँ पे गुरु का शूटिंग, गुरु मूवी का जो शूटिंग हुआ था ये यहाँ पे हुआ था। बारिश के टाइम थोड़ा अलग ही लुक आएगा इसका, बट अभी भी अच्छा लग रहा है, सुंदर। अभी चलते हैं यहाँ से। ये था भूतनाथ टेंपल और हमने पूरा अभी बादामी देख लिया है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ पे एक और अद्भुत साइट हम लोग दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आता कुठे।